मैं शीशा द टेस्ट गार्डन दिवस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मिट्टी में तो हम सभी मांस और चिल्का लगाते हैं और नीचे वेस्ट भी भर देते हैं, कोकोपीट में भी लगाते हैं, गोबर की खाद भी डाल के लगाते हैं, यानी ये सारी चीज डाल के सभी लगाते हैं। छोटे पॉट में लगाते हैं, बड़े पॉट में लगाते हैं, और चाहे मिट्टी हो या कोकोपीट जो भी हो, हल्की मिट्टी भी बनाते हैं लाइट वेट, क्योंकि हैंग भी करते हैं। लेकिन इन सब में तो देखिए लगाती हूँ और अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए कलियाँ इस तरह की बड़ी बड़ी हैं और इतने सारे कलर हैं। मैं और 3-4 कलर लाके छोटे छोटे लगाई हूँ, अभी वो रेडी नहीं है। वो रेडी हो जाएंगे तो मुझे कई सारे कलर मिल जाएंगे। 3-4 कलर तो मेरे पास यही है, और कलर मिल जाएंगे तो देखिए स्वस्थ है। और सेम इसी तरह मैंने ना मिट्टी में लगाया, ना कोकोपीट में लगाया, ना किसी वेस्ट मटेरियल में लगाया, ना कोई खाद दिया। फिर भी बिना खाद के भी उसी पॉट में 2 साल से मेरा पौधा चल रहा है। हर सीजन में उसी पॉट में लगा है और पूरे धूप पूरे ठंड में रहा, और फिर भी वही पुराना पौधा ग्रोथ करके और बिना खाद के बिना मिट्टी के लहलहा रहा है और स्वस्थ पौधा है, ढेरों कलियां और फ्लावर दे रहा है जैसे इसमें है उसी तरह का। तो प्लीज़ मैं बताती हूँ मैंने कैसे लगाया है, क्या केयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़, तभी मेरा कुछ मैं कुछ नई जानकारी दे पाऊँगी और मेरा उत्साह बना रहेगा और कुछ मुझे लाभ भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके ही सहयोग से ही सब कुछ होगा। तो मैं बताती हूँ, तो वो ये है, मैंने पिछले साल भी इसी पॉट में लगाया था, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और मुझे अच्छे लाइक कमेंट भी मिले थे। और वही पुराना पौधा, आप इस पुराने पौधे को देख सकते हैं, ये पुराने ब्रांच है, वही पुराना पौधा फिर से ये ग्रोथ कर गया है। और ये बाहर ठंड में भी था, बरसात में भी था, बारिश का पानी, ठंड का पानी, अब पूरे गर्मी में रहता है, पानी एकदम गर्म हो जाता है, प्लास्टिक के पॉट में है, फिर भी कोई नुकसान नहीं है। देखिए ये इस पुराने ये पॉट को देखकर, इस पुराने पौधे इसकी काई को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और इसमें कि कब से लगा हुआ है। ये 2 साल से मैं इसी पॉट में लगा कर रखी हूँ और जब हवा चलती थी इसका पानी भी गिर जाता है, नहीं बदलती मैं कुछ, बस पानी गिरा थोड़ा सा, इसको खंगाल दिए और यहाँ भी खंगाल दिए हल्का, लेकिन जड़ टूट जाएंगे, इसको तो माँज सकते नहीं है, यहाँ पर जड़ है, इन जड़ों में काई लग गई है, यहाँ पर नए पौधे बन के खूब हो गए थे तो मैंने उसको तोड़ दिया है। और ये काई ही है, ये इतनी लग गई है, ये जड़ है, जड़ बिल्कुल ग्रीन हो गई है, काई मतलब नहीं, ये देखिए ये जड़ है पौधे की, ये जड़ आई है, काई से कवर हो गई है इसमें रहते रहते। और जब हवा चलती है मेरा ये पॉट ढनक जाता है, पानी गिर जाता है, ये भी कहीं और पड़ा रहता है, तो कभी कभी ब्रांच भी टूट जाती हैं। फिर मैं इसका पानी अच्छे से थोड़ा धो के, पर ब्रश व्रश नहीं धोती क्योंकि इसी में लग गया है, मैं क्या क्या धोऊंगी, तो मैं रख देती हूँ और कोई फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ, ना कोई पानी में है, बिल्कुल साफ पानी है और पूरी गर्मी। वैसे कहते हैं मांस में ज़्यादा पानी डालो गल जाता है, फंगस लग जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में वैसे ही पानी स्टोर रहता है, ये सकुलेंट फैमिली से होता है, तो अगर इसमें 2 दिन पानी ना डालो तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा पौधा मुरझा जाएगा और फिर पानी डाल दो वैसे ही हो जाता है। इसी तरह मिट्टी वाले में, क्योंकि ज़्यादा पानी इसको पसंद ही नहीं है। तो पर देखिए 2 साल से इसी में लगा है और ऐसी बाहर पड़ा था, पूरे ठंड को इसने बर्दाश्त किया, बरसात गर्मी सब कुछ, और देखिए है ना बहुत अच्छा। और कलियाँ भी देखिए, बिल्कुल कलियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये आप देखिए ये, और पौधा पूरा एकदम फूलों से भर जाता है। अब ये देख चारों तरफ इसकी कलियां से भरमार है, ये देखिए, और जब ये पूरी कलियां कल खिल जाएंगी, कल या परसों, तो एकदम से पूरा फूल भर जाएगा। आज तो 3 ही इसमें खिले हैं, कभी कभी तो पूरा चारों तरफ ये भरा रहता है। तो दोस्तों इसको हैंग भी कर सकते हैं, कितना भी छोटे पॉट में। मैंने एक और पॉट लगाया था, उसका ये ऊपर का हिस्सा ही उड़ गया, तो 2 लगे थे, हमारे पुराने वीडियो देख सकते, सेम यही डब्बा है, और आप पौधे से अनुपात लगा सकते हैं। और कोई फर्टिलाइजर नहीं, जब मैं इनमें कोई फर्टिलाइजर डालती हूँ लिक्विड, तो बस इसमें भी ऐसे मैं थोड़ा सा पत्तों के ऊपर जब मैं इनमें डाली ऐसे डाल देती हूँ, पानी में नहीं डालती हूँ, मेरा पानी खराब ना हो, बस उसी का ये इतना अच्छा रिजल्ट है। आप भी लगाइए और इसी तरह के रिजल्ट पाइए, स्वस्थ और मस्त पौधे मिलेंगे और फ्लावर भी अच्छे। तो नमस्कार दोस्तों।